Hello everyone, in this video lecture we are going to discuss some previous year questions from quantum chemistry. Hum abhi tak lagbhag 7 topics par discussion kar chuke hain quantum chemistry ke aur hum ab verify kar rahe hain ki wo jo 7 topics humne padhe hain kya previous year questions ko hum solve kar pa rahe hain. यदि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, उसकी लैंग्वेज को इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग इन राइट वे. तो चलिए हम शुरू करते हैं. 5-6 क्वेश्चंस में यहां पर डिस्कस करने वाला हूं जो टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी. पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द हर्मिशियन कंजुगेट ऑफ ऑपरेटर d/dx कॉल्ड d/dx कंजुगेट इज एक्चुअली इक्वल टू. हर्मिशियन कंजुगेट है ये ऑपरेटर का, d/dx एक ऑपरेटर है, मेन सिंगल डिफरेंशिएशन, उसका कंजुगेट एक्चुअली इक्वल टू है किसके, हमको कंजुगेट निकालना है उसका. देखिए ये जून 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमको एडजॉइंट दिया हुआ है, बना करके उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, हम यहां पर सॉल्व करके देखते हैं. देखिए ये पहला वाला फर्स्ट क्वेश्चन है d/dx का एडजॉइंट. अब हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी प्रेजेंट है कि जब सिंगल डिफरेंशिएशन या ऑड नंबर में डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो जो रिजल्ट आता है डिफरेंशिएशन का वो नेगेटिव आता है. तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, माइनस d/dx हो जाएगा. तो ये माइनस वाला ऑप्शन कौन सा है? दैट विल बी करेक्ट, मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. क्लियर है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, एडजॉइंट निकालना था सिर्फ हमको d/dx का, कौन सा आएगा आंसर वो हमको पता चल गया. चलिए सेकंड पर आते हैं. फॉर एनी ऑपरेटर ए एंड इट्स एडजॉइंट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. देखिए यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि हमसे वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछता है. कई बार ये हम गलती कर देते हैं, जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो वो हमसे इनकरेक्ट पूछता है, हमको पहला ही ऑप्शन करेक्ट दिखाई देता है, हम उसको करेक्ट को टिक कराते हैं, तो वो गलत हमारा हो जाता है, उसका हमको नेगेटिव मार्किंग मिल जाता है. फिर ये बिल्कुल ध्यान से देखें, जब करेक्ट इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन आया तो ध्यान से पढ़ेंगे उसको. इनकरेक्ट पूछ रहा है हमसे, क्या कह रहा है एक बार फिर से पढ़ते हैं. फॉर एनी ऑपरेटर ए एंड इट्स एडजॉइंट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, ए एक ऑपरेटर है उसका एडजॉइंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. देखो यहां पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये जून 2012 में आया हुआ है. ए और ए का एडजॉइंट जो मल्टीप्लाइड है, हर्मिशियन है, देखते हैं क्या हर्मिशियन है ये. देखो हमको इसको सॉल्व कैसे करना है, हमको ये दिया हुआ है, इसका एडजॉइंट लेंगे. हर्मिशियन चेक करने के लिए हम एडजॉइंट लेते हैं, इसका एडजॉइंट लिया मैंने. अब ये मल्टीप्लाइड है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है एक दूसरे के, तो जब मल्टीप्लाइड को हम हर्मिशियन ऑपरेटर्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि जब मल्टीप्लाइड होते हैं तो पहले पीछे वाले का एडजॉइंट निकालते, फिर दूसरे वाले का पहले वाले का निकालते हैं. मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले मैं इस ए एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालूंगा, फिर ए का एडजॉइंट निकालूंगा. तो ये हो गया ए एडजॉइंट का एडजॉइंट इनटू ए का एडजॉइंट. क्लियर? अब ये एडजॉइंट का एडजॉइंट ए ही होता है, ये भी हम रूल्स में पढ़कर क्या है कि एडजॉइंट का एडजॉइंट क्या होता है, सेम ऑपरेटर वापस आ जाता है. तो ये आ गया हमारा आंसर ए एडजॉइंट ए. देखो हमको जो मिला हुआ था वो आंसर वापस आ गया हमारा, तो इसका मतलब क्या है, ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर है. क्लियर है? दूसरे पर हम जाते हैं, ये तो करेक्ट है, जो कह रहा है वो करेक्ट है कि ये हर्मिशियन है. ये देखो दूसरा क्या है, यहां पर उसने क्या दे रखा है, ए का एडजॉइंट ए प्लस ए ए का एडजॉइंट, ये भी हर्मिशियन है क्या, इसको चेक करते हैं. देखो इस हर्मिशियन चेक करने के लिए उसका एडजॉइंट लेते, जो भी दिया हुआ है प्लस में है, पहले इसको अंदर कर देता हूं मैं, ए का एडजॉइंट ए इसका एडजॉइंट प्लस ए ए डेस का और ए का एडजॉइंट. देखो ये तो अभी हम सॉल्व करके आए हैं, ऊपर वाला यही था, इसका क्या आंसर आएगा, ये वाला आ जाएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा ए ए का एडजॉइंट प्लस जैसा इसका वही का वही आया तो इसका भी वही का वही आ जाएगा, ए का एडजॉइंट ए में से ये वापस वैसा का वैसा निकल के आया, इसलिए ये भी क्या है, हर्मिशियन है. थर्ड पर आते हैं, सी ऑप्शन पर, ए प्लस ए का एडजॉइंट, मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले, सी वाला है ए प्लस ए का एडजॉइंट, इसका हमको निकालना, इसको चेक करना है कि क्या ये हर्मिशियन है. तो उसका मैंने एडजॉइंट लिया, अंदर ले गया उसको मैं, ए का एडजॉइंट प्लस ए के एडजॉइंट का
एडजॉइंट, ये एडजॉइंट का एडजॉइंट वही का वही वापस हो जाएगा, मीन्स ए का एडजॉइंट प्लस ए। अब ये इसको आगे पीछे में लिख सकता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो सिंपल एडिशन ऑपरेटर है। तो ये आंसर फिर से हमारे पास आ गया, इसका मतलब क्या है, ये भी एक हर्मिशियन है। चलो डी ऑप्शन को देखते हैं, ए ये है हमारा डी ऑप्शन, ए माइनस ए का एडजॉइंट, इसको चेक करना है तो इसका एडजॉइंट ले लेंगे, अंदर ले लेता हूं मैं, ए का एडजॉइंट माइनस ए के एडजॉइंट का एडजॉइंट। अब देखो ये तो ए का एडजॉइंट है हमारे लिए, माइनस ए के एडजॉइंट का एडजॉइंट क्या हो गया, ए हो गया। अब हमको जो मिला हुआ था a माइनस ए का एडजॉइंट, लेकिन अब यहां पर a के एडजॉइंट माइनस a आ रहा है, नेगेटिव हो रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मीन्स माइनस यदि कॉमन ले लू तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस a का एडजॉइंट। अब देखो यहां पर क्या आ गया, जो हमको दिया हुआ था उसका आंसर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है क्या है? इसका मतलब है ये एंटी हर्मिशियन है, एंटी हर्मिशियन, जबकि वो हमको क्या कह रहा है कि a माइनस a का एडजॉइंट इज हर्मिशियन, तो ये डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्लियर है? तो ये हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। चलिए अगले पर आते हैं, हम थर्ड ऑप्शन पर आते हैं, द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर एक्स पी एक्स स्क्वायर इज गिवन बाय। अब ये मैं एक बार पहले ही सॉल्व करके आया हूं, लेकिन फिर भी करवा देता हूं आपको। कम्यूटेटर वाले वीडियो लेक्चर में मैंने ये एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाया था, फिर से एक बार कर देता हूं। थर्ड क्वेश्चन का हमको मिला हुआ है कम्यूटेटर एक्स पी एक्स का स्क्वायर, ये मिला हुआ है हमको। देखो अब ये यहां पर इसको पहले तो मैं ऐसे लिख देता हूं, एक्स कॉमा पी एक्स इंटू पी एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाला रूल बन गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव वाले रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम देखो। एक बार एक्स का कम्यूटेटर पहले पी एक्स के साथ, दूसरा पी एक्स बाहर, प्लस एक बार x का कम्यूटेटर दूसरे px के साथ, पहला पहला px बाहर। क्लियर है? अब ये दोनों टर्म्स एक जैसी है तो प्लस हो जाएगी, प्लस हो गई मतलब 2px x और px का कम्यूटेटर। अब ये x px का कम्यूटेटर क्या होता है, ये x और px का कम्यूटेटर होता है आयोटा एच कट। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ये वहां पर सॉल्व करके आया हूं, यहां ज्यादा लेंदी हो जाएगा, आप सॉल्व करके देखेंगे। यदि आपको कम्यूटेटर सॉल्व नहीं करते आ रहा है तो हमारा कम्यूटेटर वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, वहां पर ये आपको समझ में आ जाएगा आयोटा एच कट कैसे आया। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा 2iota h cut px, ये आंसर आएगा इसका। तो यहां पर हम फाइंड आउट करते हैं 2iota h cut px कहां पर है, ये रहा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि जून 2013 में आया हुआ है। इफ ए एंड बी आर नॉन कम्यूटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर्स, ऑल आइगेन वैल्यूज ऑफ द ऑपरेटर गिवन बाय कम्यूटेटर ए एंड बी आर। देखो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये हर्मिशियन ऑपरेटर सॉरी आइगेन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज होती है। आइगेन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज में हम ये पढ़ते हैं कि यदि ऐसे ऑपरेटर्स है जो एक दूसरे के साथ कम्यूट है, तो उनका जो रिजल्ट आता है, उनकी जो आइगेन वैल्यू आती है वो रियल होती है। जबकि नॉन कम्यूटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर्स यदि हैं तो उनकी जो आइगेन वैल्यूज आती है वो क्या होती है, इमेजिनरी होती है। तो यहां पर हमको नॉन कम्यूटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर्स दिया हुआ है, नॉन कम्यूट। अब इसको पूरा हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बहुत लेंदी उसका सॉल्यूशन होता है, कैसे उसको प्रूव करते हैं हम कि ये जो नॉन कम्यूटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं वो इमेजिनरी या जीरो देती है या रियल देती है, कैसा उसका रिजल्ट आता है, वो उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन है। लेकिन यहां पर हम सिर्फ आंसर देख रहे हैं, क्या आंसर आएगा इसका, इमेजिनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर राइट करता हूं, दो और क्वेश्चन लिखता हूं, उनको सॉल्व करते हैं। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए ये फिफ्थ क्वेश्चन ये आया हुआ है जून 2013 का ही ये क्वेश्चन है, द एंगुलर मोमेंटम ly। अब एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ करके आए हुए हैं, ly इज, इसका आंसर क्या आएगा। अब देखिए आंसर में यहां पर सॉल्व करता हूं, हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था तो क्या था, ly इज इक्वल टू क्या होता है, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ये होता है। क्लियर? अब ये हमको दिया हुआ है, हमको इसको सॉल्व करके उसको आंसर बताना है।
क्या आएगा, ये जेड पी एक्स क्या होता है, पी एक्स होता है माइनस आयोटा एच कट इंटू डी बाय डी एक्स होता है माइनस एक्स, पी जेड क्या होगा माइनस आयोटा एच कट इंटू डी बाय डी जेड ये होगा। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूँ जेड या आयोटा एच कट जेड डी बाय डी एक्स प्लस, ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया आगे वाला, और ये प्लस होकर के आयोटा एच कट एक्स डी बाय डी जेड, क्लियर है। इनमें कॉमन क्या है उसको मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस सहित बाहर निकाला मैंने, तो माइनस आयोटा एच कट बाहर कर लिया मैंने। अब यहां पर क्या बचा, माइनस भी चला गया तो यहां बचेगा जेड डी बाय डी एक्स, यहां पर प्लस माइनस हो जाएगा और ये बचेगा एक्स डी बाय डी जेड, ये बचा हमारे पास। अब देखो आंसर में हमारे पास इसको कोई मैच कर रहा है क्या, इसको पहले देख लेते हैं, ये जेड डी बाय डी एक्स कहां पर है, जेड डी बाई डी एक्स ये रहा, देखो जेड डी बाई डी एक्स माइनस एक्स डी बाई डी जेड, ये तो मैच हो गया, लेकिन ये आगे वाली वैल्यू मैच नहीं हो रही है। यहां पर माइनस आयोटा एच कट है, यहां पर एच कट डिवाइडेड बाय आयोटा है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो माइनस आयोटा एच कट को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, माइनस आयोटा इंटू आयोटा एच कट डिवाइडेड बाय आयोटा, आयोटा से एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर दिया तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो क्या होगा, ये आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होकर के माइनस वन हो जाएंगे, माइनस वन इस माइनस के साथ प्लस वन हो जाएंगे, तो हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा क्या, एच कट डिवाइडेड बाय आयोटा। तो ये हो गया हमारा आंसर, एच कट डिवाइडेड बाय आयोटा जेड डी बाय डी एक्स माइनस एक्स डी बाय डी जेड, और हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी वाला, क्लियर है। इसको इस टाइप से हमने सॉल्व कर लिया, ये हम पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर सिक्स थोड़ा सा आगे से मैंने ले लिया है, लेकिन हमने प्रोबेबिलिटी वाली फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उसको डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा लैंग्वेज उसने दे रखी है यहाँ पर, इतना सारा क्वेश्चन पढ़ना, उसका फिर आंसर फाइंड आउट करना, इसको इंटरप्रेट करना, बहुत दिक्कत आती है इस टाइप के क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ये जितने भी ऐसे डरावने क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत आसान होते हैं, लेकिन हमको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। चलो, द वेव फंक्शन साइन of a certain system is a linear combination, ये साइन का ये दो linear energies का combination है, linear combination है energies का, under root 1 by 4 psi 1 plus under root 3 by 4 psi 2, where psi 1 and psi 2 are the energy eigen functions with eigen values e1 and e2, ये eigen values हमको उसने दे रखी है e1 and e2 respectively, what is the probability that the system energy will be observed to be even। देखो यहां पर वो पूछ क्या रहा है हमको, ये बात पता चल गई, what is the probability, हमको क्या पूछ रहा है, वो probability पूछ रहा है। अब probability पूछ रहा है psi 1 और psi 2 क्या है, दोनों energy eigen functions हैं, ये दोनों क्या चीजें दी हुई है उसने हमको, ये दी हुई है coefficient, ये है c1 जिसको मैं कह रहा हूं psi 1 का coefficient, ये हमारे लिए c2 psi 2 का coefficient, क्लियर है। अब देखिए ये जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन में या जो भी फंक्शन दिया हो रहता है वेव फंक्शन, उसमें जो कॉफिशियंट होते हैं उन कॉफिशियंट्स के स्क्वायर का सम वन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं, कौन सूट करेगा वो हम देख रहे हैं। देखो यदि इस वन बाय फोर, वन बाय फोर का मैं स्क्वायर करूं, ये C2 मीन्स 3 बाय 4 का मैं स्क्वायर करूं तो 1 आना चाहिए, इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, 1 बाय 4 प्लस 3 बाय 4 इज इक्वल टू 1 आएगा हमारे पास। तो हमारे पास ये इवन मीन्स C1 क्या आया, 1 बाय 4 आया है। तो हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर फॉर साई 1 जो कि इवन एनर्जी लेवल को सपोर्ट करता है वो क्या आ रहा है, 1/4, इनमें से 1/4 ऑप्शंस कौन है, वो सी वाला ऑप्शन है, ये हमारे लिए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर मैं ये जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।